नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में दक्षिणी दिल्ली सीट से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बिधूड़ी ने नामांकन दाखिल किया। राजधानी में सीएम धामी का मेगा रोड शो भी, तो मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा को संबोधित किया और दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा की और रामवीर सिंह बिधूड़ी के पक्ष में वोट मांगे। आज भाई रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हजारों हजार माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं और इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे बहुत ही श्री सतीश लोहिया जी एवं सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, मैं एक बार यहाँ पर आने के बाद अब मेरे मन में 1% की भी कोई शंका की गुंजाइश नहीं बची के दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से भाई रामवीर सिंह बिधूड़ी जी भारी बहुमत से यहाँ से जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि ये दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है और जब मैं यहाँ पहुंचा, मुझे यहाँ पहुंचने में लंबे रास्ते में जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, उनके अंदर ऊर्जा दिखाई दे रही है और जय श्री राम का जिस प्रकार से उद्घोष कर रहे हैं, वाकई में ये दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली जहां भाई रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के साथ है, वहीं पूरी दिल्ली ने दिल के साथ मोदी जी का समर्थन कर दिया है। भाइयों बहनों, ये बहुत ही हमारा जो दक्षिणी दिल्ली है बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र से बल्लभ माधव जी यहाँ के लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए, उसके बाद लगातार ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का, उसको आगे बढ़ाने वाला क्षेत्र रहा है। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जैसे अनेक महान विभूतियों ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, इस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा के साथ साथ देश का भी गौरव बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है कि 25 मई को जिस दिन मतदान होगा, उस दिन कमल वाला बटन दबाते दबाते अंदर चला जाएगा और वो बाहर निकलेगा, तो 4 जून को जिस दिन मतों की गणना होगी, उस दिन इतने कमल निकलेंगे कि कमलों की लड़ियां लग जाएंगी, कमलों की झड़ियां लग जाएंगी भाइयों बहनों, और रामवीर सिंह बिधूड़ी जी सांसद बन जाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, अनेक ऐतिहासिक काम मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में चाहे धारा 370 का खात्मा हो, 3 तलाक का कुप्रथा का अंत हो, या सीएए का कानून देश के अंदर लाया गया हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भगवान की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक काम हुए। ऐतिहासिक कामों के साथ साथ भाइयों बहनों, गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई है। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आयुष्मान भारत की योजना की बात करें, या इज्जत घर की बात
या भाई लखपति दीदी बहने योजना बनाने की बात हो या किसान समृद्धि योजना हो, ऐसे अनेक काम उज्ज्वला योजना की बात करें, पूरे देश के अंदर गरीबों के कल्याण का काम मोदी जी के 10 साल के कालखंड में तेजी से आगे बढ़ा है। खबर हरिद्वार से है, जहां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गंगा पूजन किया और संतों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री गुरुवार देर रात हरिद्वार पहुंचे। आज सुबह उन्होंने गंगा पूजन किया, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने शंकराचार्य, राज राजेश्वरा नंद समेत कई प्रमुख संतों से मुलाकात कर बीजेपी की जीत के लिए आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी का 400 पार का नारा बिल्कुल सही साबित होगा। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद से भी उन्होंने मुलाकात की। तो कैलाश विजयवर्गीय ने आज हरिद्वार का दौरा किया और विजयवर्गीय ने मां गंगा में स्नान किया, मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद स्वामी कैलाशानंद से भी मुलाकात की, संतों से मुलाकात की और 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल सही साबित होगा। देवभूमि समाचार में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है, मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि खबर हरिद्वार से है, जहां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मां गंगा में स्नान किया, पूजन किया और संतों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री गुरुवार देर रात हरिद्वार पहुंचे। आज सुबह ही उन्होंने गंगा पूजन किया, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने शंकराचार्य, राज राजेश्वरानंद समेत कई प्रमुख संतों से मुलाकात कर बीजेपी की जीत के लिए आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी का 400 पार का नारा बिल्कुल सही साबित होगा। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद से भी उन्होंने मुलाकात की। तो संतों से मुलाकात की मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और आज उन्होंने हरिद्वार का दौरा किया, जहां पर वो मां गंगा में स्नान किए, इसके बाद दर्शन किया, पूजा किया और स्वामी कैलाशानंद से भी मुलाकात की। तो हमारे साथ चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी हमारे साथ है, जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हरिद्वार के दौरे पर हैं, वहां पर उन्होंने मां गंगा में स्नान की, पूजा अर्चना किया, और क्या कुछ खास रहा इस दौरे में कैलाश विजयवर्गीय के? देखिए, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कल देर रात हरिद्वार पहुंचे थे और आज सुबह उन्होंने मां गंगा का दूधाभिषेक किया, पूजा अर्चना की, उसके बाद हरिद्वार के जो प्रमुख संत है उनके साथ उन्होंने काफी समय बिताया। स्वामी रामदेव के साथ उन्होंने मुलाकात की, इसके अलावा जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं स्वामी कैलाशानंद उनके आश्रम वो गए, वहां उनसे मुलाकात की। इसके अलावा जो महामंडलेश्वर हैं संतोषानंद जी उनसे मुलाकात की और खास बात ये रही कि जो आचार्य महामंडलेश्वर साथ साथ जो शंकराचार्य हैं राज राजेश्वरानंद जी उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उत्तराखंड की जो धार्मिक पहचान है उसको लेकर बातचीत की। खास बात ये रही कि प्रदेश के अंदर जो गतिविधियां हैं चारधाम यात्रा को लेकर और किसको बेहतर बनाया जा सकता है उस बारे में भी उन्होंने प्रमुख संतों से मुलाकात की, उनकी राय जानी। और दूसरी बात ये थी कि जिस तरह देश के अंदर इस समय चुनाव चल रहा है और बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है तो उस नारे को साकार करने के लिए भी उसने संतों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है और 400 पार का नारा जो है वो सही साबित होगा, लेकिन उसके लिए साधु संतों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए उनकी धार्मिक यात्रा है। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जो है कैलाश विजयवर्गीय मथुरा वृंदावन के दौरे पर थे, वहां भी उन्होंने प्रमुख संतों से मुलाकात की थी और उसके बाद आज वो हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के बाद वो ऋषिकेश गए, जो परमार्थ संगठन के अध्यक्ष हैं स्वामी चिदानंद उनसे भी मुलाकात की और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जी अमनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तराखंड के वन विकास निगम के अध्यक्ष और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का कैंसर की बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर काशीपुर पहुंचाया गया। इस दौरान काफी संख्या में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों का हुजूम उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए उनके आवास पर उमड़ा।
आपको बता दें कि गहतोड़ी लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। कैलाश गहतोड़ी 2017 और 2022 में चंपावत से विधानसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद 2022 में ही उन्होंने सीएम धामी के लिए सीट छोड़ दी थी और अपनी सीट से इस्तीफा दिया था। उनका अंतिम संस्कार कुंडलेश्वरी रोड में बने साईं मंदिर के पास किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। तो पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का आज निधन हो गया, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और आज उनका अंतिम संस्कार होगा, जहां मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे उनके अंतिम संस्कार। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लवप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवप्रीत, जिस तरीके से पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का आज अंतिम संस्कार हो गया, कितनी बड़ी छवि है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, जिनके लिए इन्होंने सीट छोड़ दी थी। मैं बताना चाहूंगा, ये उत्तराखंड के वन विकास निगम के अध्यक्ष और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का आज कैंसर की बीमारी के चलते आज सुबह उनके देहरादून स्थित सरकारी आवास पे निधन हो गया। वहीं अभी कुछ ही समय पहले उनका पार्थिव शरीर काशीपुर ले जाया गया, जहां काशीपुर के स्थानीय लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए और वहीं कुछ समय तक सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काशीपुर पहुंचने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2022 में चंपावत से वह विधानसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद उन्होंने सीएम धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सीएम धामी वहीं से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने थे। और काशीपुर के लिए भी उन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में काफी सोच रखा था, लेकिन बीमारी के चलते आज उनका निधन हो गया, जिसके चलते काशीपुर के लोगों में भी एक शोक की लहर है। जी जी लवप्रीत, जिस तरीके से पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन हुआ और मुख्यमंत्री स्वयं उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे वहां पर, तो एक खास लगाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैलाश गहतोड़ी का? जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब उन्होंने अपना सीट छोड़कर मुख्यमंत्री जी को चंपावत से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, तो उसके बाद से ही धामी जी के काफी करीब हो गए थे। और जब पूर्व में भी ये बीमारी थे तो सीएम धामी उनके आवास पे आए दिन यहाँ आते रहते, जब भी उन्होंने चाहे जाना हो खटीमा जाए या कहीं भी जाए तो वो इनके आवास पे होके गुजर के जाते थे, इनसे मिलके जाते थे, काफी लगाव था उनके बीच में, उनके काफी करीब माने जाते थे। और अब थोड़ी देर में सीएम धामी भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसके बाद कांतिपुर के कुंडेश्वरी रोड पर स्थित साईं मंदिर के पास इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। काफी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। ठीक जी, धन्यवाद लवप्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगातार लग रही आग ने वन विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है, जिस पर लीसा डिपो की सुरक्षा को लेकर वन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद दिखा। आज उत्तराखंड वन विभाग के गढ़वाल प्रमुख नरेश कुमार ने इंदिरा नगर में लीसा डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देकर डिपो की 24 घंटे निगरानी करने के आदेश दिए। नहीं, फायर सीजन हमारा ऑन है और काफ़ी टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये हमारा लीसा डिपो जो है एक बहुत ही संवेदनशील जो है एरिया है, तो इसका निरीक्षण किया तो इसमें खामियां तो कोई नहीं पाई, बट साफ सफाई के लिए इनको बताया कि भाई कहीं पे जो है ऐसा फ्यूल लोड जो है यहाँ पे इकट्ठा ना होने दें। बाकी इनको जो हम लोगों ने बता रखा है कि ड्रिल्स अपनी जो है करते रहें, पानी का छिड़काव दिन में जब टेम्परेचर राइज होता है तो 1:30-2 बजे के आसपास ये पानी का भी छिड़काव करते हैं। फायर वाचर्स मैंने और कहा है इनको कि बढ़ाएं यहाँ पे, क्योंकि 24 घंटे पूरी निगरानी इसकी रखी जानी है। और जैसा कि आज आपने देखा तो सारे सिस्टम भी हमारे काम कर रहे हैं फायर के लिए, जो पानी का छिड़काव करने वाले, और अभी फायर वाले जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने भी इसका निरीक्षण किया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि कुछ हाइड्रेंट जो है फिल कराने, वो भी डीएफओ ने अभी शायद लगता है 1-2 दिन में फिल करके वो पूरा रख लेना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर हरिद्वार से है, जहां लगातार बढ़ता तापमान श्रद्धालुओं के साथ साथ वन विभाग के लिए भी चुनौती बन गया है। कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन के साथ गर्मियों के दौरान जंगलों में लगने वाली आग वन विभाग को सताने लगी है, जिसको लेकर वन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी।
जो है तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है और वन अग्नि काल जो है वो लगा हुआ है। तो इसी संबंध में हमारी ओर से सभी फील्ड अधिकारियों को और वन मुख्यालय की ओर से भी स्पष्ट निर्देश है कि सभी लोग अलर्ट मोड पर रहेंगे। खास तौर से ऐसी जितनी भी जगह है जहाँ टूरिस्टों का आवागमन बना रहता है, वन क्षेत्र के निकट है, तो वहाँ किसी भी प्रकार की वन अग्नि की दुर्घटना ना हो और कोई वन्य जीव की उससे भी कोई अप्रिय घटना ना हो, तो सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी फील्ड स्टाफ जो है वो अलर्ट पे है। और चारधाम यात्रा के दौरान भी जितने भी ऐसे मुख्य मार्ग हैं वहाँ पे सभी हमारी टीम जो है वो निरंतर गश्त और उस पर अलर्ट पे रहेगी। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसी के साथ साथ उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जंगलों में लगी आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए प्रशासन भी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। अपर वन प्रमुख संरक्षक नरेश कुमार टिहरी पहुंचे और वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टिहरी जिले में जंगलों को आग से बचाने के लिए 50 से ज्यादा क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं जिससे जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सके। तो वहीं उन्होंने जनता से जंगलों में लगी आग बुझाने में सहयोग करने के लिए भी अपील की। वन अग्नि की घटनाएं जो अग्निकाल चल रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है, तो हम लोगों ने इसमें हमारे क्रू स्टेशन स्थापित किए हुए हैं जहाँ पे हमारा क्रू रहता है। जैसे ही घटना की सूचना मिली क्रू मूव करता है। दूसरा क्या है कि रेगुलरली आपने देखा हमारे पास ये ब्लोअर भी चलते हैं सड़कों के किनारे, जो पिरूली खट है उनको भी ये ब्लोअर से साफ कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो है इनको ये मना किया हुआ है कि सड़कों के किनारे जो इकट्ठा करके पिरूल को नीचे डाल दे गड्ढों में या कहीं पे, जलाए ना उसको। दूसरा कि प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए इस चीज़ का कि जो वन अग्नि घटना करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। खबर देहरादून से है जहां प्रदेश में बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर राज्य सरकार ने SOP जारी की है। इसको लेकर दून अस्पताल ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। इसको लेकर उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए अलग से वार्ड आधारित किए गए हैं। अभी तक एक मरीज डेंगू का है और मरीज डेंगू का है जिसका पहले से इलाज चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि 4 मरीज चिकनगुनिया के हैं जिनमें से 2 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। धनंजय डोभाल ने आगे कहा कि सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका पालन किया जा रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए जो इन्फेक्टिव वार्ड है वो हमने अलग से नॉमिनेट कर रखा है, जैसे कि आयुष्मान बिल्डिंग में हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर है राइट साइड में। और अभी जो हमारे पास फिगर है वो है अभी तक एक जो है डेंगू पेशेंट है वो भी पुराना, वो एलाइजा कन्फर्म पेशेंट था। उसके अलावा टोटल अभी एडमिटेड जो थे वो 4 पेशेंट थे हमारे पास चिकनगुनिया के, जिसमें एक नया है, एक पुराना है और 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये है और सरकार की जो भी गाइडलाइन है वेक्टर बॉर्न डिजीज या मॉस्किटो बॉर्न डिजीज को लेकर के, उन सभी का पालन हमारे अस्पताल में किया जा रहा है, चाहे वो कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने देने के लिए मच्छरदानी का उपयोग है, इस तरह का ये सारा हमने। तो वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि प्रदेश के सभी 4 राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास आउट पास आउट चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है। विभाग के अंतर्गत अभी 4 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ से जितने भी जो है MBBS स्टूडेंट जो है जो पास हो जाते हैं और जो PG पास हो जाते हैं, तो वो स्वास्थ्य विभाग में अगर जिनका बॉन्ड है तो वो हम उनको स्वास्थ्य विभाग को जो है दे देते हैं। तो जितना भी जो है साल का जो है बॉन्ड होता है तो वहाँ पर वो सेवा करते हैं। अभी हमने 267 MBBS डॉक्टर्स जो कि श्रीनगर से और दून से और हल्द्वानी से पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए, वो 267 डॉक्टर्स हमने स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में जब भी जो है कोई आवश्यकता होती है और जब भी हमारे यहाँ पर जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो पास होते हैं और जो भी बॉन्ड के अधीन होते हैं तो वो हम स्वास्थ्य विभाग में सेवा के लिए जो है उनको भेज देते हैं। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी को देखते हुए अब उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है, जहां एक और खुफिया तंत्र को मुस्तैद किया गया है।
शिक्षण संस्थानों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। इसको लेकर उत्तराखंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन ने कहा कि धमकी वाले मैसेज दिल्ली में दिए गए हैं, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। साथ ही शिक्षण संस्थानों की भी निगरानी की जा रही है और ऐसे शिक्षण संस्था जहां पर ज्यादा बच्चे संख्या में पढ़ते हैं उन पर खास निगरानी रखने के लिए कहा गया है। के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं है इस तरह के, लेकिन चूंकि दिल्ली में इस तरह की एक ईमेल के माध्यम से थ्रेटनिंग मैसेज आए थे, तो उसको देखते हुए हमने तमाम जिलों को अलर्ट कर दिया था, हमारी तरफ से निर्देशित किया गया था। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, बड़ी संख्या में जहाँ बच्चे जाते हैं, तो उन पर विशेष निगरानी करने के लिए पुलिस को बताया गया है, स्थानीय पुलिस को, और इस संबंध में कार्रवाई की। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।